हर हर गंगे विष्णुपति धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर देखिए यह परंपरा है, यह परंपरा है 1700 वर्षों की गंगोत्री से यह जल हरिद्वार आता है। हरिद्वार में मनसा देवी के पावन चरणों में, मनसा देवी चरण पादुका में यह जल रखा जाता है और यहाँ से यह जल निरंजनी अखाड़े के सभी महंतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, आज सौभाग्य हम सबों का, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान भी यहाँ हैं और यह जल परंपरागत यहाँ से पशुपतिनाथ जी जाता है। पशुपतिनाथ जी पूरे वर्ष जब तक वापस कपाट नहीं खुलेंगे, गंगोत्री का कपाट नहीं खुलेगा, वापस वर्ष पर्यंत यह जल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, तब तक इस जल से नित्य पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक होगा गंगोदर से। गंगा क्योंकि शीतलता की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है और मोक्ष की मोक्षदायिनी है। तो आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत रविंद्र गुरुजी महाराज, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव और हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के सभी वरिष्ठ महंत श्री महंत सबके नेतृत्व में आज पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम सबों के देख रेख में आज यह जल मनसा देवी के पावन चरण पादुका में रखी गई और यहाँ से निरंजनी अखाड़े के नेतृत्व में रावल जी के द्वारा यह जल पशुपतिनाथ जी को भेजा जाएगा। यह परंपरागत परंपरा है। धाम से वहाँ के रावल द्वारा गंगा जल लाया गया है और उस गंगा जल निरंजनी अखाड़े की आराध्य देवी के चरणों में रखकर और वहाँ से पुनः काठमांडू पशुपतिनाथ भगवान के यहाँ जा रहा है। वैसे हमारा और नेपाल का जो संबंध है वो बहुत पुराना है और इसलिए जो हमारे अखंड भारत की परिकल्पना है उसमें नेपाल भी उस अखंड भारत की परिकल्पना में आता है। राजनीतिक कारणों से वो जो हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो आज डेमोक्रेसी उसमें आ गई है, लेकिन जो संस्कार और धारणाएं नेपाल और भारत की हैं वो लगभग एक जैसी है। इसलिए ये जहां एक आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करता है ये कार्यक्रम, उसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय एकता का भी और नेपाल और भारत के संबंधों का भी जो है वृद्धिंगत होता है। हमारे सनातन धर्म में जो भी कुछ परंपराएं हैं वो परंपराएं सब अत्यंत सुविचारित और वैज्ञानिक हैं, उसमें कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। तो इस जैसे हिमालय का और गंगा का संबंध है और हिमालय का और शिव का संबंध है, तो उन सारे संबंधों को इसमें समाहित होते हैं और जब भोले बाबा भंडारी के ऊपर गंगा माँ का जल पड़ता है तो वो प्रसन्न होकर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा व्यवस्था से हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम की यहाँ संयोजन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। और हमारे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलासनंद जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं, इन सबकी उपस्थिति में ये पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। देखिए युगों युगों से सनातनिक और वैदिक परंपरा रही है कि गंगोत्री मंदिर के रावल जी द्वारा ही भगवान पशुपतिनाथ जो वर्ष पर्यंत दोबारा अक्षय तृतीया को कपाट खुलेंगे, फिर लक्ष्मी पूजा के दिन यह कलश
विधिवत रूप से भरा जाता है। रात्रि में गंगा जी के द्रव्य रूप और मूर्ति रूप, क्योंकि गंगोत्री में गंगा जी मूर्ति रूप साक्षात रूप में भी है, तो द्रव्य रूप और मूर्ति रूप के साथ विधि विधान से 1675 पूजन के बाद यह यात्रा उत्तरकाशी जो सौम्य काशी शास्त्रों में वर्णित है उधर से होते हुए, ऐसी परंपरा विगत वर्षों से कि माँ मनीषा देवी की चरण पादुका पंचायती निरंजनी अखाड़े में वर्षों से बाधित थी। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्यपाद महंत रविंद्रपुर जी महाराज के द्वारा इसको पुनरावृत्ति की गई। मैं विगत वर्षों से इस यात्रा को गंगा जी के आशीर्वाद से चला रहा हूँ, पर लेकिन हमारे पूज्यपाद महाराज जी द्वारा जो परंपरा थी कि माँ मनीषा देवी के पावन चरण पादुका पर यह जाते जब कपाट खुलते थे तब भी यहीं से विदा होते थे, और जब कपाट बंद होकर के कलश आता था तो भी यहाँ पर विस्थापित होता। विगत 3 वर्षों से पूज्य महाराज जी द्वारा आशीर्वाद, मैं इसके लिए महाराज जी को कोटिशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि संतों की परंपरा रही है कि हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं इनका संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। आज हमारे पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, जगतगुरु महाराज, इन सभी के सानिध्य में भगवती गंगा जी का यहाँ पे स्वागत किया गया, और कल हम लोग मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। जय गोदाय विष्णु पत्नी तन्नो गंगे प्रचोदयात्। गंगा मैया कौन है? गंगा मैया विष्णु जी की पत्नी है, और गंगा मैया मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज गंगा मैया का जो जल है मेरे यहाँ मंदिर में आया, हमारे अखाड़े में आया है, तो मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य की बात है, हमें सेवा का मौका मिला है, और जैसे भी हमसे हो सकेगा हम कल धूमधाम से जो है गंगा मैया को यहाँ से नेपाल के लिए रवाना कर देंगे।